टेक्नीति में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट एक ऐसा मंच है जहां हम वैश्विक डिजिटल मुद्दों को समझते हैं और हर एक विषय और घटना के पीछे क्यों को जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान अमृता। आज हम बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया बॉडी इमेज को प्रभावित करता है। बच्चे जो कभी खुश थे, मुस्कुराते थे, चहचहाते थे, अब वर्चुअल वर्ल्ड में खोए जा रहे हैं। सोशल मीडिया उनका हम सफ़र बन गया है जो उन्हें अकेला और कमज़ोर महसूस करवा रहा है। पर ऐसा क्यों? इस क्यों की तलाश में हम मदद लेंगे कुछ घटनाओं और वैज्ञानिक तथ्यों की। एक टीनेजर हमेशा स्मार्टफोन से चिपकी रहती है, कभी कभी घर से बाहर निकलती है, किसी भी फंक्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। हमेशा अकेले रहकर फ़ोन पर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक चलाना चाहती है। हर वक्त सेल्फीज पोस्ट करती रहती है। कुछ जाना पहचाना सा सुनाई नहीं दे रहा आपको? हम अपने आसपास रोज़ ही ऐसे कितने टीनेजर्स को देखते हैं। सर्विसेज फॉर हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक की एक स्टडी के मुताबिक एक 21 साल की लड़की हर 15-20 मिनट में एक सेल्फी खींचती रहती। बार बार सेल्फी खींचने से सोशल एंजाइटी और पॉपुलर होने के जुनून के बारे में पता लगता है। ये लड़की अकेली नहीं है, सैकड़ों वर्चुअल दुनिया में वैलिडेशन पाने के भंवर में फंसे हुए हैं। क्या खुद को दूसरों से कंपेयर करना नॉर्मल है? कंपैरिजन अपने आप में ही बहुत प्रॉब्लमैटिक है और दिन पर दिन और बनते जा रहा है। इसको समझने के लिए हम एक्सप्लोर करेंगे सोशल कंपैरिजन थ्योरी को। इंसानों ने अपनी कीमत समझने के लिए हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर किया। जब से सोशल मीडिया ने हमें सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स की परफेक्ट दिखने वाली बॉडीज़ की तस्वीरें दिखाना शुरू किया है, हमने खुद को और कम आंकना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया कैसे इन अवास्तविक कंपैरिजंस को बढ़ावा दे रहा है? फिल्टर्स और एडिटिंग टूल्स के कारण इन कंपैरिजंस ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये टूल्स सेल्फ ऑब्जेक्टिफाई करने और खुद को सिर्फ शारीरिक तौर पर आंकने के लिए हमें मजबूर करते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। इन अवास्तविक मानकों यानी स्टैंडर्ड्स का असर काफ़ी खतरनाक है, जिनकी वजह से बॉडी डिसमोर्फिया डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक कि सुसाइडल ख्यालों से भी युवाओं को जूझना पड़ रहा है। बॉडी इमेज पर सोशल मीडिया के अनचाहे प्रभावों को रोकने के लिए हमने एक लिस्ट तैयार की है जो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। ये टिप्स सहायता करेंगे असल दुनिया में रहते हुए वर्चुअल दुनिया को समझने में। सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं और एक निर्धारित स्क्रीन टाइम भी रखें। ऐसे अकाउंट्स को बिल्कुल फॉलो ना करें जो शरीर की एक अवास्तविक छवि को प्रमोट करते हैं। फोटो एडिटिंग को लिमिटेड रखें और उसे और अच्छे से समझने की कोशिश करें। हर हफ्ते कम से कम एक दिन डिवाइसेस से ब्रेक लें। कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनें और वास्तविक दुनिया से और जुड़ने की कोशिश करें। अपने अपीयरेंस को लेकर इतने कॉन्शियस ना हों और सोशल मीडिया को अपने शरीर को लेकर अवास्तविक गोल्स साधने की कोशिश ना करें। आज के एपिसोड में इतना ही। सुनते रहिए टेक्नीति।